हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी टीचर गीतांजलि शर्मा और आप सब जुड़े हैं मेरे साथ मेरे चैनल माय केमिस्ट्री ट्यूटर पे। लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किया, बाइंड अप कर दिया अपना पहला यूनिट। एक्चुअली सीक्वेंस में अब वो यूनिट नंबर 2 है जिसका नाम था सॉल्यूशन। आज हम बात करेंगे रिवाइज्ड सिलेबस के यूनिट नंबर 1 की जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। तो इंट्रोडक्शन डालते हैं आज के यूनिट की और आज का यूनिट है आपका सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट से पहले उम्मीद रखती हूं कि आप लोगों ने सॉल्यूशन की सारी वीडियो सुनी होगी, उसको ध्यान से देखा होगा और उसको घर बैठ के प्रैक्टिस भी किया होगा। साथ साथ में आप उनके प्रैक्टिस करते रहना, उनको वीडियोस को देखते रहना। और उसी के साथ हम आज स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया लेक्चर नए वीडियो के साथ जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट क्या है? सॉलिड स्टेट, तो सबसे पहले इसकी क्विक इंट्रोडक्शन लेते हैं हम लोग कि सॉलिड स्टेट क्या है। तो अगर मैं गलत ना बोलूं तो आप लोगों ने गैसियस स्टेट और लिक्विड स्टेट को स्टडी किया था क्लास 11th में। क्लास 11th में आपके पास था यूनिट अगेन स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें आपने स्टेट पढ़ी थी मैटर की गैसियस और थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट लिया था लिक्विड्स के बारे में। एक्चुअली लिक्विड्स जो है आप डिटेल में जाते हो फिजिक्स में, लेकिन केमिस्ट्री में गैसियस आपने क्लास 11th में कवर कर लिया और सॉलिड्स आप कवर करोगे क्लास 12th में। अब क्लास 12th में सॉलिड स्टेट आ गया, तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला गैसियस भी मैटर की स्टेट है और आपका सॉलिड भी मैटर का ही क्या है, हिस्सा है, स्टेट है उसकी। तो सबसे पहली बात सॉलिड क्या कहता है? आई एम अ स्टेट ऑफ मैटर, मैं मैटर की टाइप हूं। तो सॉलिड कहता है सॉलिड इज अ टाइप और स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर। तो भाई सॉलिड जो है वो मैटर की स्टेट है। तो अगर हम बात करें मैटर की स्टेट्स की, तो वी हैव एक्चुअली 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, बट बेसिकली वी आर डूइंग ओनली 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। फर्स्ट वन इज योर सॉलिड स्टेट, सेकंड वन इज योर लिक्विड एंड थर्ड वन इज योर गैसियस। सो वी कैन राइट इट लाइक एज एसएलजी। एसएलजी हियर एस स्टैंड्स फॉर सॉलिड, एल स्टैंड्स फॉर लिक्विड एंड जी स्टैंड्स फॉर गैसियस। But in this chapter, we are doing solid state of matter. Solid state of matter. How to define solids? Solid को कैसे define करेंगे? Solid की definition क्या कहती है? तो अलग अलग बंदे ने अलग अलग तरीके से इसको define किया और हमारे पास तरह तरह की definitions आ गई और हम उन्हीं definitions को जब उठाएं तो वो definitions क्या कहती हैं? तो वो definitions कहती हैं a substance Having higher melting point। बोलते हैं वो सब्सटेंस, सॉलिड क्या है? एक वो सब्सटेंस है जो बहुत हाई रेंज पे क्या करता है, मेल्ट करता है। उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सॉलिड कहते हैं। दूसरी बात क्या निकल के आती है सॉलिड्स के लिए? दूसरी तरीके से अगर हम बात करें सॉलिड्स के लिए, तो कहता है सॉलिड्स क्या है? सॉलिड्स वो सब्सटेंसेस हैं, दीज आर दोज सब्सटेंसेस हैविंग डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। तो ये बात बोलता है, हमने कहा सॉलिड्स को तरह तरह से डिफाइन किया गया। तो अगर हम इसकी किसी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन की बात करें, तो मेरे पास यहां पे डेफिनेशंस है, आपकी जो चॉइस है। मेरी पहली डेफिनेशन की बात कहती है कि ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। दूसरी डेफिनेशन कहती है सॉलिड्स वो होते हैं जिनकी शेप और वॉल्यूम क्या होती है? डेफिनेट होती है, फिक्स्ड होती है। अगर एक सब्सटेंस जिसकी शेप और वॉल्यूम फिक्स्ड है, उसी बेसिस पे हम उस सब्सटेंस को क्या कहेंगे? रिजिड कहेंगे। क्या कहेंगे उसे हम? रिजिड। रिजिडिटी क्या है भाई? वो सब्सटेंस रिजिड बन जाएगा जिसकी शेप और वॉल्यूम क्या होगा? फिक्स्ड होगा।
अगर हम बात करें सॉलिड के कुछ जनरल फीचर्स की या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की कि सॉलिड के क्या फीचर्स हैं, क्या विशेषताएं हैं सॉलिड्स की, तो क्या क्या निकल के आएगी सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। तो मैं फीचर्स की बात कर रही हूँ, फीचर्स ऑफ सॉलिड्स की बात कर रही हूँ। तो पहला फीचर जो सॉलिड का कहता है वो कहता है सॉलिड्स हैविंग हायर इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ इंटरैक्शन। सॉलिड्स क्या कह रहा है, सॉलिड्स हैविंग हायर इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ इंटरैक्शंस बिटवीन देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। भाई हाँ, सॉलिड्स का ये पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको मैं मार्क कर रही हूँ। इसकी सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक, इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टीज का सबसे बड़ा फीचर क्या है कि सॉलिड्स क्या होते हैं, सॉलिड्स वो है जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में हायर इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन होती है। तो मेरे पास तीन स्टेट्स ऑफ मैटर थी, SLG की बात की थी मैंने। हियर आई हैव थ्री बॉक्सेस, फर्स्ट वन शोइंग सॉलिड, सेकेंड वन शोइंग लिक्विड एंड थर्ड वन शोइंग गैसेस। हाउ दीज थ्री बॉक्सेस शो मी सॉलिड लिक्विड एंड गैस, एक्चुअली आई एम गोइंग टू फॉर्म देयर सम पार्टिकल्स, कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स लाइक एस। यहां पे मैंने कुछ पार्टिकल्स बना दिए इस तरीके से और मैंने इसको बोल दिया कि ये क्या है, मेरा सॉलिड्स है। अब आप खुद ही फर्क महसूस करोगे कि क्यों मैंने इसको सॉलिड बोला। इसको मैंने बोल दिया कि ये क्या है भाई, ये है आपका लिक्विड, इसको मैंने लिक्विड बोल दिया। और यहां मैंने इसको बोल दिया है गैसियस। आप मुझे बताओ तीनों में फर्क क्या है। तो तीनों में फर्क क्या है, ये जो मैंने डॉट्स लगाए हैं, ये जो मैंने पॉइंट लगाए हैं, ये पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं सीपी को, और सीपी क्या है आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, अंडरलाइन कर देती हूं। तो सीपी क्या है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बेसिस पे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं सॉलिड लिक्विड और गैस को। तो आप देखो भाई, सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है, पास पास है, लिक्विड से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर हो गए, और गैसियस में तो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स क्या हो गए, फ्री फॉर्म में आ गए। तो मुझे खुद बताओ इन तीनों में सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ इंटरैक्शंस किसमें होगी, तो भाई सबसे ज्यादा किसमें होगी, सॉलिड्स में होगी। मैं और मेरे साथ कोई आके बैठ जाए तो हम दोनों में क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी रेदर देन मैं यहां खड़ी हूं और कोई मेरे से लॉन्ग डिस्टेंस पे खड़ा है, तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि मेरे और उस बंदे के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा होगी, नेवर, पॉसिबल ही नहीं है। तो बोलता है सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं जिसके कारण इनकी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो होती है वो क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। पहला पॉइंट हो गया। अगर इनके मॉलिक्यूल्स में, आयंस में, एटम्स में, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक्चुअली किसे रिप्रेजेंट करते हैं, एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को, आयंस को, जिससे बना है आपका सॉलिड। तो बोलता है इसी बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं, इसी पॉइंट पे हम कह सकते हैं कि सॉलिड्स में क्या कंप्रेसिबिलिटी होती है, सॉलिड्स को कंप्रेस करना आसान होता है, नहीं, सॉलिड्स क्या होते हैं, लेस कंप्रेसिबल होते हैं। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है, इक्वल्स टू निगलिजिबल भी कह सकते हो आप लोग। तो हम क्या कह रहे हैं कि भाई इस इंटरेक्शन के कारण इसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी, लेस कंप्रेसिबल होगे, सॉलिड्स को कंप्रेस करना आसान नहीं है। अगर ये कंप्रेस करना आसान नहीं है तो मुझे ये आंसर मिल सकता है क्या ये फ्लेक्सिबल होंगे या नहीं होंगे, सॉलिड्स की फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है जैसे ही उनकी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होती है। तो थर्ड पॉइंट क्या निकल के आ गया इसका, लेस फ्लेक्सिबिलिटी, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम होती है। अगर ये फ्लेक्सिबल नहीं है, कंप्रेसिबल भी नहीं है, तो भाई ऑटोमेटिकली सॉलिड्स क्या हो गए, रिजिड्स हो गए। ये रिजिड है, इसी वजह से ये किसे शो करते हैं, रिजिडिटी को शो करते हैं। अगला पॉइंट मैं इसी तरफ लिख रही हूँ, नेक्स्ट पॉइंट को, ये थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट मैंने रिजिड कह दिया, फिफ्थ पॉइंट की मैं बात करती हूँ, दे शो
लो और जीरो डिफ्यूजन। तो अब आप मुझे बताओ, सॉल्यूशन में तो कवर किया था हमने डिफ्यूजन, पर डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? स्प्रेड आउट होना, फैलना। तो मुझे बताओ सॉलिड क्या डिफ्यूज कर सकती है? क्या सॉलिड्स की टेंडेंसी है स्प्रेड आउट करने की? नहीं। सॉलिड्स का डिफ्यूजन रेट क्या होता है? बहुत स्लो होता है। और स्लो क्यों होता है? क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स आपस में जुड़ के बैठे होते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। इनके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है, जिसके कारण ये डिफ्यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये तो था भाई कि सॉलिड के बारे में हमने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिया, बट साइड बाय साइड मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप ये नोट करना कि ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सॉलिड का। जितने टॉपिक ये लगेंगे कि हमने पढ़े हुए हैं, एक्चुअली वो उतने ही क्या हो जाएंगे? इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अब बात करते हैं थोड़े से आगे की तरफ। बात करते हैं आगे की तरफ। तो हमने अभी तो डिस्कस कर लिया इसकी इंट्रोडक्शन कि सॉलिड्स क्या है, उसके फीचर्स कैसे हैं। अब 12th क्लास में हमें पता चलेगा कि सॉलिड्स को क्लासिफाई किया गया है टू कैटेगरीज के अंदर। तो क्लासिफिकेशन की बात करते हैं हम लोग। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। तो सॉलिड्स को क्लासिफाई किया गया दो हिस्सों में। एक है हमारा क्रिस्टल्स, क्रिस्टल, सी क्रिस्टल की स्पेलिंग सी आर वाई एस टी ए एल एल आई एन ई होता है, कभी कभी स्पेलिंग्स का हाफ टाइप हो जाता है, तो क्रिस्टलाइन। और दूसरा है आपका एमोर्फस, एमोर्फस। तो भाई दो तरह के सॉलिड्स होते हैं, एक होता है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा होता है आपका एमोर्फस सॉलिड। अब हम इसी समय देख लेते हैं कि भाई इन दोनों में क्या पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस है, व्हाट आर द बेसिक पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एज वेल एज अमोर्फस सॉलिड्स। इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग टू नो अबाउट क्रिस्टलाइन सॉलिड एज वेल एज अमोर्फस सॉलिड। अब भाई क्रिस्टलाइन और अमोर्फस में जो सबसे पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस आता है वो आता है अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो अरेंजमेंट कैसा होता है, तो मैं पहले पॉइंट को लेके चल रही हूं, मैंने क्या नाम दिया उसको, मैंने पहले पॉइंट की इंट्रोडक्शन बना दी अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होता है, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स are arranged in regular manner or regular pattern। ये regularly arranged होते हैं। वहीं पे जो आपके amorphous solids होते हैं, amorphous solids वो क्या कहते हैं, the constituent particles, constituent particles are not regularly arranged। ये point of difference। अब कैसे समझा जाए कि ये constituent particles regularly arranged हैं और ये constituent particles regularly arranged नहीं है? अब बोलते हैं इनके arrangement की वजह से ही, इसी के साथ एक बात निकल के आती है, इस रेगुलर अरेंजमेंट की वजह से दे शो लॉन्ग रेंज एज वेल एज शॉर्ट रेंज ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट। वेयर इज अमोर्फस सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स Always show ये long और short, but ये हमेशा always show short range order। अब समझते हैं इस point के बारे में। अब होता क्या है, यहां पे अगर constant particles को हम पढ़े तो हम क्या देखेंगे, वो एक regular fashion में बैठे होंगे।
ये हमेशा कैसे बैठी होंगी? इररेगुलर मैनर में बैठी होंगी। मैंने कहा मेरे पास एक डायग्राम है जिसमें मैं बिठा रही हूं ए, उसके बाद आ रहा है बी, फिर बना रही हूं मैं ए को, फिर मैंने बी को बना दिया। मैं इसी फैशन को रिपीट कर रही हूं, बी ए बी ए। तो आप क्या देख रहे हो, कैसे बैठे हैं ये? एक रेगुलर फैशन में बैठे हैं। एक रेगुलर फैशन में बैठे होने के कारण जब मुझे इसकी ज्योमेट्री का पता चल गया कि भाई ए के बाद बी आ रहा है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, एक बहुत बड़ा बिल्डिंग ब्लॉक बना सकती हूँ ऑन द बेसिस ऑफ दिस पैटर्न। इस पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं दूर तक इस कहानी को चला सकती हूँ। लेकिन अगर मैं यही चीज अमॉर्फस में लेके आऊं, तो अमॉर्फस में क्या होता है, बोलता है स्टार्टिंग में तो दिखा कि भाई कैसा पैटर्न है, ए बी चल रहा था। आगे की तरफ मैंने जैसे ही सोचा कि पैटर्न सेम होगा, लेकिन वैसे ड्रास्टिक चेंज आ गया। कैसे? बी बी ए ए बी ए ए, ये पैटर्न मेरे पास आ गया। अब क्या मैं इस पैटर्न को फॉलो करते हुए बहुत बड़ा बिल्डिंग ब्लॉक बना सकती हूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर यूनिफॉर्मिटी नहीं है। मैं बहुत बड़ी बिल्डिंग ब्लॉक खींच के आगे की तरफ नहीं ले जा सकती। तो बोलते हैं अमॉर्फस के अंदर क्या होता है, रेगुलर अरेंजमेंट पार्टिकल्स का सिर्फ कुछ समय के लिए दिखता है, उसके बाद वो सारा अरेंजमेंट डिमिनिश हो जाता है। लेकिन यही पैटर्न जो है क्रिस्टलाइन में लॉन्ग रेंज तक रहता है। तो ये था भाई पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर सेकंड की। पॉइंट नंबर सेकंड, तो एक तरफ था क्रिस्टलाइन और दूसरी तरफ है आपका अमॉर्फस। हम पॉइंट ऑफ डिफरेंस देख रहे हैं अमॉर्फस, अमॉर्फस, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है? सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस कहता है कि हमने जो पहला पॉइंट पढ़ा ना, कि उसके पास क्या है, जो कांस्टेंट पार्टिकल्स है वो रेगुलरली अरेंज्ड है। उसी रेगुलर अरेंजमेंट की वजह से क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की डेफिनेट ज्योमेट्रिक शेप्स होती है। तो क्या कहते हैं सेकेंड पॉइंट, दे हैव डेफिनेट ज्योमेट्रिक शेप्स। और अगर हम अमॉर्फस की बात करें तो बात क्लियर है, अंडरस्टूड हो गई है कि इनकी डेफिनेट ज्योमेट्रिक शेप्स हो सकती हैं ड्यू टू रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स, लेकिन इनकी ज्योमेट्रिक शेप्स डेफिनेट नहीं हो सकती ड्यू टू इररेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स। तो आप जो भी पढ़ रहे हो ना, उसको एक दूसरे के साथ इंटरलिंक करो कि हमने क्या पढ़ा है, क्या वो चीज दूसरे पॉइंट के साथ जुड़ रही है, इज देयर एनी कनेक्टिविटी बिटवीन पॉइंट नंबर वन एंड पॉइंट नंबर टू, यस ऑफ कोर्स। अब यहां अमॉर्फस ने क्या कह दिया, अमॉर्फस कहता है दे हैव नो ज्योमेट्रिक, नो डेफिनेट ज्योमेट्रिक शेप्स, इनकी डेफिनेट ज्योमेट्रिक शेप्स नहीं होती। पॉइंट नंबर सेकंड, आप समझाने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड हो गया। पॉइंट नंबर थर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार बना लो इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेसिक डिफरेंस लाता है। अगर कोई आपको बोल दे कि भाई एक ऐसा बेसिक डिफरेंस बताओ, हम इजीली पहचान लेंगे क्रिस्टलाइन है और अमॉर्फस है, तो वो है उनका मेल्टिंग पॉइंट। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का क्या है, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट शार्प होगा, मैं भी समझाऊंगी कैसे। और इसका पॉइंट नंबर थर्ड, अमॉर्फस क्या कहता है, दे मेल्ट ओवर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, रेंज ऑफ टेम्परेचर। अब बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। बोलते क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो है उनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, और जो अमॉर्फस सॉलिड्स है वो लाइनें बहुत बड़ी बना दी उन्होंने। क्या कह दिया, दे मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर्स, क्या मतलब हुआ? अब मतलब ये है, हम सपोज करेंगे, मैं लिख देती हूँ, इसको रियलिटी मत मानना,
और दूसरी बात एक आप लोगों को और बता दूं, अगर आप सॉलिड स्टेट पे पिच बनाना चाहते हो, अगर उस पे अपना फोकस रखना चाहते हो और आप चाहते हो मेरा पार्ट स्ट्रांग बन जाए, तो आपकी इमेजिनेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। सॉलिड स्टेट वही समझ सकता है जिसकी इमेजिनेशन पावर स्ट्रांग होगी, क्योंकि ये चैप्टर फुली बेस्ड है आपकी इमेजिनेशन पे। आप इमेजिन करो, क्रिएट करो कि ऐसा है, ऐसा हो रहा है, हाँ ये इसी वजह से हो रहा है। एग्जांपल्स आपके ऑल अराउंड बैठी हुई हैं। तो बोलते हैं कि जब हम इसके शार्प मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो हमने सपोज किया, हमने कहा सपोज एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, एक सब्सटेंस है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, लेट इट बी 200 डिग्री सेल्सियस। तो वो सब्सटेंस इसी टेम्परेचर पे आने पर क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। वो 202 पे नहीं जा सकता, 203 पे नहीं जा सकता, वो एग्जैक्टली आपको क्या दिखाएगा, 200 डिग्री सेल्सियस पे अपना मेल्टिंग दिखाएगा। लेकिन एमोर्फस के केस में ऐसा नहीं होता। एमोर्फस के केस में क्या होगा, उसका टेम्परेचर वेरी करेगा फ्रॉम 200 टू 300 डिग्री सेल्सियस। मैं अज्यूम कर रही हूं, मैं सपोज करके चल रही हूं, मैंने कहा मैंने एक सब्सटेंस लिया और उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 200 डिग्री सेल्सियस है। एक्सपेरिमेंटली उसको बताया गया कि वो इतने में मेल्ट करता है। मैंने प्रैक्टिकली करने की कोशिश की, जब मैंने उसको प्रैक्टिकली किया तो मैंने क्या पाया, एग्जैक्टली वो 200 डिग्री सेल्सियस पे क्या कर रहा था, मेल्ट कर रहा था। लेकिन एमोर्फस के केस में क्या हुआ, वो वेरी करेगा, उसका टेम्परेचर रेंज वेरी करेगा। अब आप बोलोगे नहीं बात क्लियर नहीं हो रही, कैसे वेरी करेगा, क्या मतलब हुआ इसका, क्यों फ्लक्चुएशन लाएगा वो 200 टू 300। तो अब मैं आपको समझाऊंगी एक एग्जांपल। तो एग्जांपल क्या है, मैंने बोला कि मेरा जो NaCl है वो मेल्ट करेगा 801 डिग्री सेल्सियस पे। फैक्ट है, करेगा तो करेगा। मैंने यहां बोला कि मैंने ले ली प्लास्टिक और मैंने बोला भी प्लास्टिक को करो मेल्ट। अब मुझे बताओ प्लास्टिक का कोई पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट होगा, आपने मेल्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब मुझे बताओ क्या एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट आएगा जिस पर मैं बोलूं कि मेरी प्लास्टिक पूरी तरह से मेल्ट होगी, तो भाई वो पॉइंट नहीं आएगा, क्योंकि पहले वो गर्म होगा, फिर वो मेल्टिंग स्टार्ट करेगा, फिर वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगा। अगर उसका टेम्परेचर थोड़ा सा भी डाउन हुआ वो फिर से थोड़ा सॉलिडिफाई हो जाएगा, फिर वो पिच पकड़ेगा, फिर वो मेल्ट होगा। तो प्लास्टिक की मेल्टिंग आप घर में करते भी हो, अगर आपने पॉलिथिन कभी बर्न किया हो, प्लास्टिक को कभी बर्न किया हो, तो आप देखते हो प्लास्टिक कभी भी प्योरली मेल्टिंग शो नहीं करती है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। इसीलिए प्लास्टिक एक अमॉर्फस सॉलिड है, और अमॉर्फस सॉलिड का ये पॉइंट इजिली समझ आएगा अगर आप लोगों ने इसको बर्न करके देखा होगा। और आप क्या फाइंड आउट करोगे कि ये कभी भी एक सर्टेन पॉइंट पे मेल्ट नहीं करता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका ये मेल्टिंग पॉइंट वाला। अब यहीं से आगे की तरफ पॉइंट नंबर फोर्थ के पास चलते हैं। बोलते डेफिनेट शेप्स भी आ गई, रेगुलर अरेंजमेंट भी आ गया, मेल्टिंग पॉइंट भी इनका शार्प था। तो इन्हीं पॉइंट के बेसिस पे हम इन सॉलिड्स को कहते हैं ट्रू सॉलिड्स। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम इनको क्या कहते हैं, दीज सॉलिड्स आर नोन एज अ ट्रू सॉलिड्स, बट ऑन द बेसिस ऑफ दीज पॉइंट्स अमॉर्फस सॉलिड्स आर नोन एज सीडो सॉलिड्स। इसको हम क्या कहते हैं, सीडो सॉलिड्स। और बायो वाले ये वर्ड तो अच्छे से जानते हैं, सीडो वर्ड, सीडोपोडिया, फॉल्स। तो सीडो वर्ड का मतलब क्या होता है, फॉल्स, नॉट ट्रू। तो भाई ये सॉलिड्स सॉलिड्स तो होते हैं लेकिन वो हमारे ट्रू सॉलिड्स नहीं होते हैं। कैसे होते हैं, सीडो सॉलिड्स, दिखने में तो सॉलिड्स की तरह दिखते हैं हम लोगों को, लेकिन एक्चुअली वो प्रॉपर्टीज सॉलिड्स की तरह नहीं दिखाते, वेरिएशन ले आते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, सीडो सॉलिड्स कहते हैं। और एक नाम और देते हैं हम इनको, और वो नाम है दीज आर नोन एज सुपर कूल्ड लिक्विड्स। अगेन एक और पॉइंट आ गया जिसपे आप मार्क बना लो, स्टार का इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाई अमॉर्फस सॉलिड्स आर कॉल्ड एज सुपर कूल्ड लिक्विड्स। तो एग्जांपल दूंगी मैं, आप अपने घर की तरफ चले जाओ। आपने घर में नया नया घर बना के रख दिया और नए नए घर में आपने नए नए शीशे लगवा दिए, खिड़कियां बना दी, नए नए शीशे लगवा दिए। अब क्या होगा, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा तो आप क्या देखोगे, आफ्टर फ्यू इयर्स, थोड़े समय के बाद, कुछ सालों के बाद आप क्या देखोगे,
सालों के बाद वही शीशे आपको एक चमत्कार दिखाएंगे। कैसा चमत्कार दिखाएंगे? तो भाई साइंस एक वॉन्डर ही तो है। अब यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि वो जो विंडो पैन्स थे वो क्या हो जाते हैं, नीचे की तरफ मोटे हो जाते हैं। वो जो शीशे नए नए लगाए थे आपने सुंदर सुंदर वाले, वो नीचे की तरफ क्या हो गए हैं, मोटे हो गए हैं, थिकनेस बढ़ गई है उनकी। क्यों? क्योंकि एमोर्फस सॉलिड्स जो है वो फॉल्स सॉलिड्स होते हैं, और जो मेरा ग्लास है जो मुझे दिखता तो सॉलिड है लेकिन एक्चुअली ग्लास आपका सॉलिड नहीं है, वो कैसा है, सुपर कूल्ड लिक्विड है। उसकी टेंडेंसी है फ्लो करने की, तो वो क्या करता है, फ्लो करता है। तो जब वो ऊपर से फ्लो करेगा तो वो कहां आके जुड़ना स्टार्ट हो जाएगा, वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा बॉटम में। तो इसीलिए विंडो पैन नीचे की तरफ क्या होता है, ठीक होता है, याद रखना। इसी वजह से एमोर्फस को जानते हैं सुपर कूल लिक्विड्स के नाम से। अगले पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट नंबर 5। अब मैं यहीं पे लेके आ जाती हूं अपना एक और इंटरेस्टिंग सा पॉइंट, और वो पॉइंट कहता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैविंग अ टेंडेंसी हैविंग अ प्रॉपर्टी ऑफ एनाइसोट्रॉपिक। तो ये क्या होते हैं, एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर, वेयर एज एमोर्फस सॉलिड्स आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर, आइसोट्रॉपिक इन नेचर। तो ये आपका एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आ गया। भाई इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट हर चीज इम्पोर्टेंट है, किसको कहेंगे इम्पोर्टेंट किसको नहीं कहेंगे, इसलिए हर चीज को ध्यान से समझो कि चल क्या रहा है, कहानी कहां तक लेके जा रही है। एक और मोड़ आ गया, एक और टर्न आ गया, वो क्या, एनाइसोट्रोपिक की फॉर्म में और आइसोट्रोपिक की फॉर्म में। अब मैं वर्ड्स को तोड़ती हूँ, मेरी आदत है मैं वर्ड्स को तोड़ती हूँ, तोड़ के उसका आंसर लिखती हूँ। तो मैंने क्या देखा, एनाइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस। होप्सो आपको दिख नहीं रहा होगा और समझ भी आ रही होगी बात मैं क्या कह रही हूं। एनाइसोट्रोपिक इन नेचर का मतलब क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स शो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस, वेयर एज amorphous solids show same, iso word stands for same, isotropic, same physical properties in different directions। मैं बोर्ड रख करके इसको ऊपर की तरफ ले जाऊंगी पॉइंट को, और फिर हम इसको समझते हैं। हाँ, तो पॉइंट नंबर 5 की बात कर रही थी मैं, तो मैंने कहा कि क्रिस्टलाइन कैसे होते हैं, एन आइसोट्रोपिक, और आपके amorphous कैसे होते हैं, आइसोट्रोपिक। और मैंने इनकी डेफिनेशन दे दिया आपको, मैंने क्या कहा, एन आइसोट्रोपिक क्या करते हैं, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिफरेंट डायरेक्शंस में दिखाते हैं, और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सेम रहती है चाहे आप कितनी भी अलग अलग डायरेक्शन में चले जाओ, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको हर डायरेक्शन में कैसे दिखेगी, सेम दिखेगी। तो अच्छा, पहले मैं आपसे एक चीज पूछूं, मुझे ये बताओ क्रिस्टलाइन और एमोर्फस में से कौन यूनिफॉर्म होगा? ऑब्वियसली क्रिस्टलाइन कैसा होगा, यूनिफॉर्म। भाई अरेंजमेंट रेगुलर है, भाई रेगुलर है तो यूनिफॉर्मिटी होगी, ये रेगुलर है इसमें यूनिफॉर्मिटी हो ही नहीं सकती है। अब जिस बंदे के पास यूनिफॉर्मिटी है, तो देखा मैं वही डायग्राम फिर से बना रही हूं, ए बी ए बी ए बी ए बी ए और बी। मैंने एक डायग्राम लिया, एक छोटा सा मैंने हिस्सा उठा लिया यूनिफॉर्म फैशन का, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स का। मैंने इधर क्या कहा था amorphous में, भाई ऐसा कोई पैटर्न ही नहीं है, तो पैटर्न मैंने क्या कर लिया, ए बी ए बी बी ए ए बी ए बी बी, कोई भी इरेगुलर सा फैशन ले लिया। यहां पे यूनिफॉर्मिटी और यहां पे यूनिफॉर्मिटी नहीं है। अब यहां पे यूनिफॉर्मिटी नहीं है तो मैं उसको, मैंने कहा मेरे डायरेक्शंस चूज कर ली, मैंने कहा एक मेरी डायरेक्शन ये आ गई एक्स एक्सिस, एक डायरेक्शन मैंने ये ले लिया, एक डायरेक्शन मैंने चूज कर लिया ये वाला, एक डायरेक्शन चूज कर लिया मैंने ये वाला। तो आप मुझे बताओ
मैं इन चारों डायरेक्शंस में घूम रही हूं, तो नजर घुमाओ और मुझे बताओ पैटर्न कैसा रहा। भाई नॉन यूनिफॉर्म चीज थी तो हर जगह जाने पर वो कैसी रही? नॉन यूनिफॉर्म रही। कैसी है? नॉन यूनिफॉर्म है ना, तो भाई वो हर डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी रखेगा? सेम रखेगा। जैसी फिजिकल प्रॉपर्टी इधर होगी वैसी ही इधर होगी, जैसी इधर होगी वैसी ही इधर होगी। तो इन सारी डायरेक्शंस में फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी? सेम रहेंगी ड्यू टू इरेगुलर फैशन ऑफ द कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स। यहां की बात करो तो यहां पे रेगुलर अरेंजमेंट था, एक यूनिफॉर्मिटी थी। तो जब मैं अलग अलग डायरेक्शंस में घूमी तो देखो कितना इंटरेस्टिंग सा चेंज आया। ये मेरे पास एक एक्सिस आ गई, मेरे पास दूसरी एक्सिस आ गई, मेरे पास तीसरी एक्सिस आ गई और ये मेरे पास चौथी एक्सिस आ गई। अरे यार यहां पे कितना ड्रास्टिक चेंज आया, और वो चेंज क्या है? मैं यहां से इधर की तरफ गई तो मेरे को सिर्फ बी और बी ही दिखे, मैं इधर की तरफ आई तो मुझे ए और बी दिख रहे हैं, अगर मैं इधर की तरफ बी चली जाती तो मुझे ए और ए ही दिख रहे हैं, मैं इधर की तरफ जा रही हूं तो मेरे को कुछ और पैटर्न दिख रहा है। एक रेगुलर चीज में मेरे को क्या देखने को मिली? रेगुलरिटीज। क्या वो पैटर्न सेम रहा हर डायरेक्शन में? यहां पे क्या था? ऑलरेडी चीज इरेगुलर थी तो मैं किसी भी डायरेक्शन में गई उसने अपनी इरेगुलरिटी को मेंटेन रखा, लेकिन क्या ये अपनी रेगुलरिटी मेंटेन रख पाया? ये अपनी रेगुलरिटी मेंटेन नहीं रख पाया। इसीलिए जो मेरी फिजिकल प्रॉपर्टी इस डायरेक्शन में होगी वो इस डायरेक्शन में सेम नहीं होगी। हर डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी क्या कर जाएगी? डिफरेंट हो जाएगी। बट इस केस में फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। इसको ध्यान से समझेगा। तो ये था आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनाइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक। इनकी नेचर हमेशा एनाइसोट्रोपिक रहती है और उनकी नेचर कैसी होती है? आइसोट्रोपिक होती है। बाइंड अप करते हैं अपने पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस को बिटवीन क्रिस्टल एंड अमॉर्फस सॉलिड का विद एग्जांपल्स। तो सिक्स्थ पॉइंट मैं लेके चल रही हूं एग्जाम्पल का। तो एग्जाम्पल में आप ले सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। आपने ट्रू सॉलिड्स, एक्चुअली जितने भी कंपाउंड्स जो सॉलिड शेप में है वो सारे क्रिस्टलाइन होते हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स ले लेती हूँ। NaCl ले लिया, KCl ले लिया, डायमंड ले लो, ग्रेफाइट ले सकते हो आप लोग। तो दीज आर द सर्टेन एग्जांपल्स विच शो क्रिस्टलाइन नेचर। हियर आई हैव सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ अमॉर्फस सॉलिड्स लाइक एस, मैंने अभी डिस्कस किया था प्लास्टिक्स, बेस्ट एग्जाम्पल ग्लास, आपकी रबर, दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल ऑफ अमॉर्फस सॉलिड्स। तो मैंने बाइंड अप कर दिया यहीं पे क्या डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड्स। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की, और नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग फोर्सेस। अब बाइंडिंग फोर्सेस क्या है? मैं ब्रैकेट में लिख देती हूं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो हम क्या डिस्कस करेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक में? तो हम डिस्कस करेंगे कि सॉलिड को तो क्लासिफाई किया गया दो कैटेगरीज में, क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस। फर्दर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को भी हम डिवाइड करते हैं कुछ कैटेगरीज में, मैं बताऊंगी कितने कैटेगरीज में। बट वो कैटेगरीज किस बेसिस पे बनाते हैं? हम लोग बनाते हैं इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस के बीच में, उनके बीच में कैसी फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन है, बाइंडिंग फोर्स कैसी है, उस बेसिस से हमने इसको बांट दिया। और इसको बांटा हमने कितने हिस्सों में? चार हिस्सों में। तो आप इसको समझोगे मेरे साथ एक टेबल की फॉर्म में। तो मैं आपको बोलूंगी पेन कॉपी लेके मेरे साथ भी आप एक टेबल की फॉर्म में ही इसको स्टडी करना। तो पहली हेडिंग हम क्या बनाएंगे यहाँ पे? फर्स्ट हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, कितनी तरह के हमारे पास क्या है? सॉलिड्स है। तो हमारे पास चार तरह के सॉलिड्स है। पहला आपका आयनिक सॉलिड, दूसरा होगा आपका कोवेलेंट सॉलिड,
सारे नाम आपने सुने हुए हैं और पढ़े हुए हैं, बस सिर्फ रिकैप्चुलेशन की बात आ रही है कि हम उसे फिर से रिवाइज कर रहे हैं, उसको फिर से रिकैप्चुलेट कर रहे हैं। तो पहले आयनिक, कोवलेंट, मॉलिक्यूलर और फोर्थ वन इज योर मेटेलिक। मेरे साथ साथ आप भी इसको लिखना, मैं आपको बीच में टाइम देती रहूंगी उतारने के लिए। तो बोलते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड में पहला क्या आ गया आपका, आयनिक आ गया। अब दूसरी कैटेगरी क्या है, ये आ गया फर्स्ट। सेकेंड हम बनाएंगे कि टाइप ऑफ सॉलिड के बाद वो सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है, किन पार्टिकल्स के बने हैं वो, एटम्स के बने हैं, आयंस के बने हैं, मॉलिक्यूल्स के बने हैं। तो बोलते हैं उनके कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स का नाम क्या है। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लेके आएंगे, भाई इन कॉन्स्टिट्यूएंट फोर्सेस, इन कॉन्स्टेंट पार्टिकल में बाइंडिंग फोर्स क्या है, बाइंडिंग ऑब्लिक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। और फोर्थ पॉइंट हम क्या लेके आएंगे कि इन सब बातों के बेसिस पे उनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी। और लास्ट क्या होगा, इस सबको समझने के लिए एग्जाम्पल की तो हेल्प लेनी पड़ेगी ना, कि आयनिक क्या क्या है और क्या आपके कोवलेंट है, क्या आपके मॉलिक्यूलर है, और कौन से आपकी ऐसी सब्सटेंसेस हैं जो क्या शो करेंगे, मेटालिक नेचर शो करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला आयनिक सॉलिड्स। तो टाइप ऑफ सॉलिड आयनिक सॉलिड, आ जाओ मेरे साथ आयनिक के ऊपर। तो आयनिक में कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स क्या होंगे, नाम में ही छुपा हुआ है, तोड़ के निकालो बाहर, आयन। तो कौन से, कितने तरह के आयन होते हैं, वी हैव टू टाइप ऑफ आयन, वेरी गुड। फर्स्ट इज नेगेटिव, सेकेंड इज पॉजिटिव। तो अगर किसी ने पूछा कि आयनिक कंपाउंड्स में कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, तो आप क्या बोलोगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स आर द कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स ऑफ आयनिक सॉलिड्स। बाइंडिंग फोर्सेस, तो आयनिक सॉलिड्स में बाइंडिंग फोर्स किसके बीच में, आयन्स के बीच में, तो बाइंडिंग फोर्स का नाम क्या होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। और इस आयनिक बॉन्ड को दूसरा नाम हम क्या देते हैं फिजिक्स की भाषा में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरैक्शन अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, आपको पढ़ा होगा फिजिक्स में। तो ये आयनिक बॉन्ड होती है बिटवीन आयंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, तो वो ही क्या होंगे, आपके आयनिक सॉलिड्स होंगे। और आयनिक सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, आयनिक सॉलिड की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, ये हार्ड होते हैं और साथ ही क्या होते हैं, ब्रिटल इन नेचर होते हैं। तो हार्ड एंड ब्रिटल नेचर इनकी खासियत है। सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें तो इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये मैंने दो, पहला और दूसरा पॉइंट डिस्कस कर लिया, दो प्रॉपर्टीज। तीसरी प्रॉपर्टी तो बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इनकी, और वो क्या है, सॉलिड फॉर्म में अगर ये आयंस होंगे तो ये किसकी तरह काम करेंगे, इंसुलेटर्स की तरह काम करेंगे। तो ये कैसे होते हैं, इन सॉलिड स्टेट दे आर इंसुलेटर्स। ये कैसे होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं। लेकिन इन मोल्टन स्टेट और एक्वस स्टेट They behave as conductors। इसको ध्यान से समझना, अगर ये आयनिक सॉलिड्स सॉलिड स्टेट में हुए तो इंसुलेटर का काम करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये मोल्टन स्टेट में या फिर एक्वस स्टेट में प्रेजेंट होंगे तो ये क्या काम करना शुरू कर देंगे, कंडक्टर्स का काम करना शुरू कर देंगे, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना शुरू कर देंगे। तो इसको लिख लेना। और एग्जाम्पल की बात करें तो आयनिक सॉलिड की सबसे चहेती एग्जाम्पल क्या होती है आपकी, NaCl हो गया आपका, KCl हो गया आपका, जिंक सल्फाइड हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आयनिक सॉलिड्स की। तो टाइम दे रही हूं, पहले आप इतना सा उतारें फिर मैं रद्द कर दूंगी इसे इतना सा। अब साथ साथ में आप उसे उतार रहे हो तो हम सेकेंड प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं जिसका नाम होगा कोवलेंट। तो मैं कोवलेंट की बात करूं तो कोवलेंट में कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, कोवलेंट में कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स की बात करें हम लोग तो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स क्या होते हैं इसके अंदर, तो आई थिंक उतार लिया होगा। अब करते हैं डिस्कस हम कोवलेंट को।
कोवलेंट के कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या होते हैं? एटम्स होते हैं। जल्दी जल्दी उतार लिया करो मेरे साथ, इतना टाइम नहीं होता। तो कोवलेंट में क्या है आपके कांस्टेंट पार्टिकल्स? एटम्स। और ये एटम्स जो है कैसा नेटवर्क बनाते हैं? कोवलेंट नेटवर्क बनाते हैं। आपको पता है कोवलेंट नेटवर्क है, इंटरलिंकेज प्रॉपर्टी होती है ये। तो एटम्स इसके क्या है? कांस्टेंट पार्टिकल्स है। अब कोवलेंट में बाइंडिंग फोर्स कैसे होगी? कौन सी बाइंडिंग फोर्स होती है आप मुझे बताओगे? तो कोवलेंट है तो बॉन्ड का नाम भी क्या होगा? कोवलेंट होगा। कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं ये। और आपको याद है टेंथ में हम पढ़ते थे म्यूचुअल शेयरिंग की बात करते हैं ये लोग। तो कोवलेंट मैंने क्या बोला? कोवलेंट पढ़ रहे हैं हम लोग। कोवलेंट में कांस्टेंट पार्टिकल कैसे हैं? एटम्स हैं। और बाइंडिंग फोर्स कैसी है इनकी? कोवलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं। अब प्रॉपर्टीज की बात करो मेरे पास, तो इसकी कैसी प्रॉपर्टीज होंगी? तो ये क्या होती हैं? ये बहुत हार्ड होती हैं, वेरी वेरी हार्ड होती हैं। पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट क्या इनका क्या होता है? हाई होता है मेल्टिंग पॉइंट। और तीसरा पॉइंट कहता है कि कोवलेंट कंपाउंड्स बिहेव एज इंसुलेटर्स। ये किसकी तरह बिहेव करते हैं? इंसुलेटर्स की तरह बिहेव करते हैं। पर क्वेश्चन आ गया जल्दी से, एक शरारती बच्चा उसने जल्दी से क्वेश्चन कर लिया कि मैम कैसे बात कर रहे हो, आपका ग्रेफाइट भी तो कोवलेंट नेचर है बट वो तो कंडक्टर है। तो भाई एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। साइंस की ऐसी कोई भी थ्योरी नहीं होगी जो आपको एक्सेप्शन की बात नहीं करेगी। हर चीज में एक्सेप्शंस होती हैं, पर हम जो बात करते हैं वो बेसिक बात करते हैं, एक्सेप्शंस को छोड़ देते हैं। तो अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो एक्सेप्शन के तौर पे कि ग्रेफाइट क्या है? एक कंडक्टर है। ऑल्दो ग्रेफाइट इज अ कोवलेंट कंपाउंड बट इट वर्क्स एज, इट एक्ट्स एज अ कंडक्टर। अब इसकी एग्जांपल ले ले हम लोग। तो एग्जांपल में आपके पास क्या आ गया? डायमंड आ गया, आपका क्वार्ट्ज आ गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा कर देते हैं हम लोग। सिलिकॉन कार्बाइड लिख सकते हो। तो मैंने ये दो एग्जांपल्स दे दी हैं। तो ये हमने कवर कर लिया आपके दो टाइप्स, आयनिक भी कर लिया, कोवलेंट भी कर लिया, उनके कांस्टेंट पार्टिकल्स देख लिए, बाइंडिंग फोर्सेस देख ली, पार्टिकल प्रॉपर्टीज देख ली और उनकी एग्जांपल्स देख ली। अब आ जाते हैं हम लोग कहां पे? नेक्स्ट के पास। और नेक्स्ट क्या है आपका? मॉलिक्यूलर सॉलिड। जल्दी से उतार लो उसको, कोवलेंट को थोड़ा ही है जल्दी से। तो मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर की बात करें तो मॉलिक्यूलर में क्या होता है आपके पास? कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या होते हैं? तो यहाँ पे वेरिएशन आएगी, यहाँ पे एक नहीं बहुत सारे पार्टिकल्स आप लोगों को दिखेंगे। तो कैसे दिखेंगे, उनमें क्या फर्क होगा, हम अभी ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो मॉलिक्यूलर में सबसे पहले बात है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की। तो मॉलिक्यूलर में मॉलिक्यूल्स होंगे, मॉलिक्यूलर है, नाम तोड़ने की बात आई तो मॉलिक्यूलर को तोड़ा तो मॉलिक्यूल्स निकले। बट कैसे मॉलिक्यूल्स निकले यहां पे? यहां पे निकले पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। कैसे? पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। बहुत इंटरेस्टिंग सा। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स कौन होते हैं? पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब बाइंडिंग फोर्स की बात करो तो पोलर और नॉन पोलर में तो फर्क होता है ना बाइंडिंग फोर्स में। तो कैसा फर्क होता है? पोलर वाले कैसे जुड़े होते हैं? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से। तो पढ़ी है ना सबने डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। नॉन पोलर वाले कैसे जुड़े होते हैं? डिस्पर्शन फोर्सेस से, लंडन फोर्सेस से। लंडन फोर्सेस आर द डिस्पर्शन फोर्सेस से। और आपको यहीं पे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में क्या देखने को मिलती है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तीन तरह के बाइंडिंग फोर्सेस की बात करता है, डाइपोल डाइपोल हो सकती है, लंडन फोर्सेस हो सकती हैं, आपकी हाइड्रोजन बॉन्ड्स हो सकती हैं। तो अब आगे बात इनकी प्रॉपर्टीज की, पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज कैसी कैसी होती हैं। तो भाई अभी तक हार्डनेस की बात चल रही थी, अब जाके वर्ड आता है आपका सॉफ्ट। तो ये कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। कौन आपके? पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट इनका बहुत हाई नहीं होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है? लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। और ये बिहेव करते हैं एज इंसुलेटर्स। कैसे बिहेव करते हैं? इंसुलेटर्स की तरह बिहेव करते हैं। तो एग्जाम्पल की बात करें हम लोग तो एग्जाम्पल ले सकते हैं HCl हो गया, मीथेन हो गया, आयोडीन हो गया आपका,
NH3 हो गया, H2O हो गया, बहुत सारी एग्जांपल्स आ जाती हैं जब आते हैं पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो जल्दी से इसको कॉपी पेस्ट कर लो जी। क्या बोला उसने मॉलिक्यूलर में, मॉलिक्यूलर में कांस्टेंट पार्टिकल्स कैसे हैं, पोलर है आपके, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। इंटरेक्शंस की बात करी तो डाइपोल डाइपोल, लंडन फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करता है वो। वहां पर प्रॉपर्टीज की बात करें तो सॉफ्टनेस की बात करता है वो, लो मेल्टिंग पॉइंट की बात करता है, और करता है बात किसकी कि ये कैसा काम करते हैं, इंसुलेटर्स का काम करते हैं। और सबसे लास्ट में आते हैं मेटालिक सॉलिड्स। तो मन तो मेरा कर रहा है कि मैं मेटालिक सॉलिड्स को छोड़ ही दूं, क्योंकि आप सबने लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो उसी का एक हिस्सा यहाँ पे आ गया मेटालिक सॉलिड्स। तो मुझे बताओ मेटालिक सॉलिड के कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स क्या होते हैं? तो इसके कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होते हैं केटाइन्स इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये समझने लायक चीज है, केटाइन्स इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बाइंडिंग फोर्सेस की बात करूं मैं मेटालिक सॉलिड्स में, तो कैसी बाइंडिंग फोर्स होती है, मेटालिक बॉन्ड होती है। मेटल्स में कैसी फोर्स, मेटालिक बॉन्ड होती है। हम बात करें इनकी प्रॉपर्टीज की तो भाई बहुत सारी लिस्ट होती है। मेटल्स आर हार्ड इन नेचर, मेटल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल, मेटल्स आर सनरस, ये कितनी सारी प्रॉपर्टीज तो हम छोटे होते से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो कुछ एक लिख लो, कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका। लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बोल रही हूँ आप कॉपी कर रहे हो इसको। एग्जांपल्स की बात करूं तो भाई ऑल मेटल्स आर मेटालिक इन नेचर, जितने भी मेटल्स हैं। तो पीरियोडिक टेबल में तो मिल जाएगा लिस्ट ऑफ मेटल्स आपके पास, मेटल्स नॉन मेटल्स मेटलॉइड्स इन द पीरियोडिक टेबल, और बहुत सारे मेटल्स वहां बैठे हैं। कुछ एक एग्जाम्पल ले सकते हो आप लोग, मैंने ले ली एग्जाम्पल किसकी, आयरन क्या है आपका, मेटल है। अब मैं आयरन से काम चला लूं, कॉपर ले लेती हूँ, निकल ले लेती हूँ, तो भाई ये सारे के सारे क्या है, मेरे मेटल्स है। तो अब मैं सिर्फ और सिर्फ क्या समझाऊंगी आपको, इस पॉइंट को समझाऊंगी कि ये पॉइंट क्या है कि टाइम्स इन फ्री इलेक्ट्रॉन। इसके लिए मुझे बोर्ड को जब करना पड़ेगा, तो ये पॉइंट आ जाओ इसको टॉप पर। मैंने क्या बोला, मेटल्स में जो आपके कॉन्स्टेंट पार्टिकल है वो क्या है, केटाइन्स इन फ्री इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो वो क्या है। अब आपको मैंने कहा आयरन एग्जांपल ले ली, बहुत सारी हैं, कॉपर ले सकते हो आप लोग, फिर किस किस के, जिंक ले सकते हो, निकल ले सकते हो आप लोग, तो कितने टाइटेनियम ले सकते हो आप लोग, वैनेडियम ले सकते हो, क्रोमियम ले सकते हो, तो बहुत सारे मेटल्स है। मैंने बेस्ट एग्जांपल ले ली किसकी, आयरन की ले ली। अब मुझे बताओ आयरन जो है वो कैसे बैठा होगा, आयरन अकेला ऐसे तो बैठा नहीं होगा, एक शीट बना देगा वो, कैसे बनाएगा। अब जो मेटल्स होते हैं, मेटल की सबसे बड़ी टेंडेंसी क्या होती है, दे हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देते हैं। अब इस आयरन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दिया, तो इसने क्या बना दिया, Fe2 पॉजिटिव बना दिया। तो 2 पॉजिटिव बनाया होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन्स निकले होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले होंगे। आप बात करोगे कि Fe3 भी तो होता है, हाँ, तो अगर Fe3 बनाया होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन्स निकले होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स निकले होंगे। तो एक्चुअल जो हम मेटल्स पढ़ते हैं वो इस फॉर्म में बैठे होते हैं, ऐसे वो अपनी शीट बनाते हैं। तो होता क्या है, आयरन जब अपने इलेक्ट्रॉन्स को खो देता है तो वो केटाइन्स बना देता है। मैं फिलहाल ले रही हूँ Fe2 पॉजिटिव की बात, आप Fe3 भी रख सकते हो। तो ये इस तरीके से सारे केटाइन्स बैठना स्टार्ट हो गए, Fe2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव, तो इतने सारे Fe2 पॉजिटिव है। अब क्वेश्चन ये आता है कि पॉजिटिवली चार्ज्ड चीजें जो होती हैं वो तो एक दूसरे को रिपेल करती है, हाउ इज इट पॉसिबल दैट दे सिट टुगेदर, ये एक दूसरे के साथ बैठे हैं, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है भाई, ये भी तो पॉजिटिवली चार्ज है, रिपेल करेंगे, दुश्मनी पैदा हो जाएगी। पर ऐसा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसने किसको लूज किया, इलेक्ट्रॉन्स को भी तो लूज किया है, तो यही इलेक्ट्रॉन्स इनको बचाने का काम करते हैं। कैसे, ये क्या हो गए आपके केटाइन्स है, और यहां पे घूम रहे हैं आजादी से इलेक्ट्रॉन्स, 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 कितने इलेक्ट्रॉन्स भाई, जितने उन्होंने 2 पॉजिटिव लूज किए, दो दो इलेक्ट्रॉन, दो यहां से, दो यहां से, दो यहां से, दो यहां से, तो कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां पे घूमना स्टार्ट हो गए।
और वो भी कैसे घूम रहे हैं, बिना किसी बंदिश के फ्री है वो, घूम रहे हैं वो। और इसी फ्री फॉर्म की वजह से ये जितने भी कैटाइड्स हैं ये बाइंड अप होते हैं। तो याद रखना कि आपके जो मेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं, मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं, उसमें कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, कैटाइड्स होते हैं, जिसे कर्नल के नाम से जानते हो, कैटाइड्स होते हैं। वो कैटाइड्स कहाँ सर्वाइव करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड के अंदर। तो ये बादल बना दिए ना इलेक्ट्रॉन से, तो इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का रहना ही क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ मेटेलिक सॉलिड्स। तो इसी के साथ कंक्लूड करते हैं अपना आज का लेक्चर।